तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेरा मेरा सच। मैं सुमंत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हांसी में फेसबुक अकाउंट को हैक किया जा रहा है, और हैक भी कैसे, हैक करके बाय गूगल, पेटीएम और इसके थ्रू पैसे मांगे जाते हैं। आज हमारे साथ एक शॉप के ओनर भी है और गुरु नानक कंप्यूटर्स के ओनर है हमारे साथ, और अपना नाम भी बताएंगे। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण है और मैं इस शॉप को 9 सालों से चला रहा हूँ। हुआ क्या था कि आज से 4 दिन पहले ही रात को 8:15 बजे करीब मेरी आईडी हैक हुई है, और आईडी हैक होने के बाद मैसेंजर से लोगों को मैसेज आना शुरू हुआ। तो मैंने देखा कि मैं मैसेज चैट नहीं कर रहा हूँ लेकिन लोग रिप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने उस चीज़ को देखा और अपने आईडी का पासवर्ड चेंज किया। उसके बाद रात को 11 बजे करीब तक कोई मैसेज नहीं रिप्लाई हो रहे थे, और 11:15 बजे मैंने अपनी आईडी को फिर से पासवर्ड रीसेट किया है, और रीसेट करने के बाद फिर मैं 11:45 बजे नेट को बंद करके रात को सोया हूँ। तो 11:45 बजे मेरे छोटे ब्रदर के पास कॉल आती है उसके दोस्त की कि प्रवीण को, जैसे कि मेरा नाम मैंने बताया कि प्रवीण है, तो प्रवीण को पैसों की क्या ज़रूरत पड़ेगी कि उसके मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। तो उसने कहा भाई वो तो सोया हुआ है। तो उन्होंने मुझे कॉल की कि आपका आईडी हैक हो चुकी है, आपकी आईडी से लोगों को मैसेज किया जा रहा है कि पैसे लेने के लिए। तो मैंने जब देखा तो मेरी फेसबुक आईडी और फेसबुक मैसेंजर हैक हो चुका था, और उस इंसान के मेरे पास शॉर्टकट आए जिसका नाम मनोज गांधी है और वो गुड़गांव रहता है, उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट आया कि ऋषि पाल के नाम से कोई गूगल पे पे अपने पैसे मांग रहा है 10,000 रुपये, और नाम मेरा लिख रहा है कि उसके दोस्त को ज़रूरत है और इस तरह हम उसके पैसे डलवा दिए जाएं। पैसे ट्रांसफ़र भी हुए? पैसे अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुए थे, बाय लकली चांस कि हम उसी टाइम आईडी को रीसेट कर पाए अपने दोस्त के माध्यम से। आकाश बांगा मेरा दोस्त था, उसने उस आईडी को रीसेट कर दिया, और उसके बाद से 1:12:56 के बाद उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया, और अभी तक आईडी सेफ है, अभी तक किसी के पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। हम आपको बता दें इस चीज़ का बिल्कुल स्क्रीनशॉट मेरे साइड में आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट चल रही है। इस पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मैसेज मेरे को भी आए थे इन्हीं की आईडी से, क्योंकि एक जाना माना नाम है गुरु नानक कंप्यूटर्स का, तो ऑब्वियसली ये भी हमें जानते हैं, हम भी इनको जानते हैं। तो मेरे को भी एक पर्सनली मैसेज आ गया, मैं कहा पता नहीं वैसे ही आए होंगे, नॉर्मल आए होंगे, लेकिन उसमें भी अकाउंट से पैसे रिलेटेड बात मानी गई। और फिर किसी का कन्फर्मेशन मैसेज आया 1:30 बजे मेरे को कि ऐसे करके आप पैसे ट्रांसफ़र मत कीजिए। तो हम स्पेशल आज इनके पास आए, तो आप क्या कहना चाहेंगे जनता को कि मतलब सेफ़ रहे ऐसे कोई पैसे मांगता है तो? हाँ बिल्कुल, मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि अपने फेसबुक मैसेंजर के पासवर्ड को कुछ इस तरह से मैनेज कीजिए कि लोग आपके आईडी को हैक ना करवाएं। और जैसे कि आपको पता है कि आजकल इस तरह के फ्रॉड काफ़ी चल रहे हैं, तो अगर किसी भी मैसेंजर से या किसी भी है, मैं अपनी नहीं कहता, सभी के पर्सनल व्यू से कह रहा हूँ कि किसी भी आईडी से अगर आपको कोई मैसेज आता है कि आप पैसे ट्रांसफ़र कर दें, तो उसे कॉल करके ज़रूर कन्फर्म करें, उसके बाद ही पैसे को ट्रांसफ़र करें। चलिए ये थी डिटेल्स, आप भी अलर्ट रहे, स्वस्थ रहे, कोरोना है तो अपने आप को सेफ्टी, अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही बाहर निकले। आप देखते रहिए तेरा मेरा सच। तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ।